लोग इतने खुश हैं, कुलदीप कुमार जीत रहे हैं, हर चेहरे पे मुस्कान थी, झाड़ू 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 कमी जाती कार रहे हैं, कार्य हम कर रहे हैं, हम कार्य के ऊपर ही वोट मांग रहे हैं, बेवकूफ़ बना रही है, कुछ भी नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के छठवें चरण के चुनाव समापन हो चुके हैं दिल्ली में, और इसको लेकर के हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है कृष्णनगर कंस्टिट्यूएंसी के एमएलए सुरेश कुमार बग्गा जी। सर बहुत स्वागत है आपका पंजाब के हिस्से में। क्या कहना चाहेंगे कि जो चुनाव हैं वो सफलतापूर्वक हो चुके हैं, और अगर आपके इस इलाके से कुलदीप कुमार जी जीतते हैं तो इस इलाके में क्या कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जो आप एज ए विधायक के तौर पर उनसे सपोर्ट करके इस इलाके में जो विकास करवाएंगे? देखिए, मैं 2015 से किसान विधानसभा से विधायक चुना गया, यहाँ पर जितने काम हुए हैं लोग इतने खुश हैं, कुलदीप कुमार जीत रहे हैं, जो भी काम हमने किए हैं सड़कों का, नालियों का, पार्कों का, जितने भी कार्य यहाँ जरूरी थे सब किए मैंने, उसका फल मिल रहा है। कल मैं जो घूम रहा था हर चेहरे पे मुस्कान थी, झाड़ू 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 जीत रही है हमारे यहाँ से, कोई इसमें कुछ शक नहीं है। इतना कहने इतना मेहनती हमारा, इतनी छोटी उम्र में पहले कौंसल बना, एमएलए बना और एमपी का टिकट दिया है पार्टी ने, तो सोच समझ के दिया है, उसके कार्य को देखते हुए पब्लिक जाति कार्य कार्य हम कर रहे हैं, हम कार्य के ऊपर ही वोट मांग रहे हैं। लोगों ने वोट दिया है, हेल्प भी किया हमारे, खड़े होकर इतनी गर्मी में खड़े होकर वोट डलवाए भी हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ ऐसे लोगों का जिन्होंने इतनी गर्मी के अंदर मेरे लिए कार्य किया। आप इसे कृष्णनगर विधानसभा की बात करें तो क्या कुछ ऐसे काम हैं जो जो पहले जो सांसद रहे थे वो नहीं करवा पाए, अगर आपके सांसद आते हैं वो काम आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के करवाएंगे? देखिए, एक तो इनके जीतने से सेंट्रल में ही बैठेंगे, नुमाइंदगी करेंगे वहाँ पर, DDA इनके पास आएगी, और पुलिस मेन चीज़ है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर। एक MP जो है वो चेयरमैन होता है, जिसमें DCP ऑफिस होते हैं, तो वहाँ भी हमारे को फायदा होगा। दूसरा DDA में काम होंगे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य हैं वो सारे सुचारू रूप से होंगे। जो मैं काम कर रहा हूँ, कहीं कमी आएगी तो उसके उनके फंड के द्वारा कराऊंगा मैं। अच्छा सर, एक सवाल ये भी रहेगा कि इसी चुनाव के बीच में स्वाति मालीवाल वाला मामला भी थोड़ा हाईलाइट रहा है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल की अभी तक चुप्पी कहीं ना कहीं ऐसा इशारा कर रही है कि वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर आप कैसे सोचते हैं? सर देखिएगा, उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया हमने, अब BJP उनको इस्तेमाल कर रही है, उसको ये नहीं पता लग रहा है कि मैं जो कार्य कर रही हूँ इसमें उसका अपना ही नुकसान है। BJP ने वो मैटर अपने हाथ में दिया, उनको समझा रहे हैं ऐसे करो ऐसे करो, जबकि सारा सब झूठ है। आप देखिए, जब पहले दिन बाहर जा रही थी ठीक थी, 3 तारीख को उसके पैर लटका रहे थे, बेवकूफ़ बना रही है, कुछ भी नहीं है। बेवकूफ़ ने कंप्लेंट फाइल कर ली है, उसकी इंक्वायरी होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम तो कहते हैं जिसका कसूर हो उसको सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो। सर आपके जो सांसद हैं संजय सिंह जी, उनका कहना था कि अभी विवेक कुमार पे अगर ऐसे कुछ मतलब आरोपी तय किए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब FIR भी दर्ज हो गई है, आम आदमी पार्टी बोलते हैं कि हाँ ये झगड़ा हुआ है, ये मारपीट हुई है, लेकिन बावजूद अरविंद केजरीवाल की चुप्पी कहीं ना कहीं मतलब अभी तक उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि उनको ऐसा लगे कि हर मैटर में CM इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और भाई जान घर भी थे तो अलग उनका ऑफिस है, कार्य कर रहे हैं। CM को इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि उनके आवास पे इस तरह की घटना हो रही है। बता रहा हूँ, आवास आप कह रहे हैं जैसे एंट्री करते हैं हम, मीटिंग एरिया है वहाँ पर कोई शख्स बैठा है, तो घर काफ़ी दूर है, आप गए हो कभी, तो मैं जाता रहता हूँ, तो उससे उस समय ना आवाज़ आई उनके पास, ना ऐसा कुछ पता लगा उनको कि क्या हुआ है। संजय सिंह ने कहा कि हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, जिसकी गलती होगी उसको सुझा देंगे। ठीक है सर, 4 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, कितने आश्वस्त हैं कि इस पार्टी से कुलदीप कुमार जी जीत रहे हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा है, क्या जो 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 विजय रथ है जो BJP का, क्या आम आदमी पार्टी इस विजय रथ को रोक पाएगी? ये 400 पार करें, 800 पार करें और हम यहाँ जीत रहे हैं, 7 सीटें गठबंधन जीत रहे हैं दिल्ली में, ये घबरा चुके हैं, इनके चेहरे पर देखो रोने के नहीं है, PM के लेट रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, क्या क्या स्टाइल ले रहे हैं, कोई दूसरा बोलने वाला है ही नहीं, ओनली PM हिमसेल्फ बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कृष्णा नगर के
विधायक एसके बग्गा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसमें सातों सीट आम आदमी पार्टी के खाते में होगी। इंडिया गठबंधन के जो आपसी सहमति से जो सीटें हुई हैं सात सीटें आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। और साथ साथ इनका ये भी कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार यहाँ से जीतते हैं तो क्षेत्र में कुछ लोकल समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख करके काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन रिया शर्मा के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।